दोस्तों अकेले में अगर हम रहते हैं तो खाना भी बनाना पड़ता है। तो खाना क्या बनाना पड़ता है आपको हम बताते हैं। मतलब अकेले का मतलब होता है खूब मौज मस्ती आजादी और तबाही। अब हिमाचली लड़के है ना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, अपना रूम की सफाई ना खुद करते हैं, अपना काम सब करते हैं हम। तो चलो मैं झाड़ू दे देके लगभग अब फ्री हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं, और मैंने झाड़ू दे के लगभग कम्प्लीट कर दिया है। और इसी तरह से मेरे पास और भी है ढेर सारा काम करने के लिए। तो अब देख सकते हैं आप ये बाल्टी, बाल्टी में जो दही है इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से फेर दिया है, और अब इसे मैं इसमें गेरना है इस बर्तन में। और एडजस्ट हो चुकी है मशीन बहुत अच्छे तरीके से। अब इसका जो शू है इस शू में ऊपर फंसाने वाला हूँ, और आप देख सकते हैं अब मेरी जो मशीन है, और मैंने स्विच को ऑन कर दिया है, और आप देख सकते हैं शायद लाइट काफी कम है। अब मैं पंगा ले लिया है। चल 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 भाई, चल 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 भाई, छाम रुकी बच्ची। हम गाय दूध के बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अपना आधा आधा काम करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ गौशाला की ओर। अब मुझे निकालना है गोबर, और ये है मेरा ट्राइपॉड, क्योंकि इसको सेट करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि काम करते करते थोड़ा ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय गौशाला। अब हम निकालेंगे यहाँ पे गोबर, और ये हो चुका है बहुत ही ज्यादा भारी। भारी हो गया, भारी भारी भारी, इट्स टू मच हैवी टू लिफ्ट। बहुत मजा आने वाला आपको देखने में, मुझे तो थकान होने वाली है काम करने में। अब मैं ले जाऊंगा हल्का सा यहाँ से अंदर बिछान, क्योंकि नीचे हल्का सा गीला गीला सा है, ताकि मेरे पशु अच्छे से रह सके। और उसके बाद बिछान बिछाने के बाद कुछ और काम करेंगे। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पे गोबर निकाल दिया है, मेरा जो ये गौशाला है बिल्कुल साफ है बिल्कुल। दोस्तों अकेले में अगर हम रहते हैं तो खाना भी बनाना पड़ता है। तो खाना क्या बनाना पड़ता है आपको हम बताते हैं। मतलब अकेले का मतलब होता है खूब मौज मस्ती आजादी और तबाही। तो आज हम क्या बनाएंगे आपको दिखाने वाले हैं। ये हमारा प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में हमारे चावल, और चावल के बीच हमने डाल दिया है हल्का सा दूध। अब आप समझ ही गए होंगे ये है चीनी, और इससे क्या बनेगा हमारा मीठी भात, जिसको हम कहते हैं खीर, ठीक है ना। हम वो बनाने वाले हैं, और मतलब कि मजा आने वाला है या फिर नहीं वो आप मुझे बताना इस वीडियो को देखने के बाद। जो पहला काम था वो पूरा हो चुका है। अब दूसरा काम क्या है मेरा, गाय को मैंने बाहर चरने के लिए खोलना है। आप देख सकते हैं अब मैं गाय को बाहर चरने के लिए खोल रहा हूँ। ओह क्या करिए भाई, लात ही मार सकती है ना। थोड़ा वेट करता हूँ, समझदारी में ही बचा हुआ है। हाँ ठीक है, अब मैं अपनी गाय को यहाँ से खोलने के बाद बाहर ले जा रहा हूँ, अभी चुगने जाएगी बाहर। इस तरह से मेरी गाय यहाँ पे चुगती है, और चुगते चुगते ये निकल जाएंगी थोड़ी देर में, दो ढाई घंटे में ही वापस आ जाती है, क्योंकि इसको मक्खी मच्छर काफी ज्यादा परेशान करते हैं। तो फिर ये वापस आके इसमें बंद कर दूंगा। और ये देखो आप, हमारा यहाँ छोटा सा बच्चू है, अभी घास खा रहा है काफी देर से लेकर, ये काफी जोर से आवाज कर रहा था। तो फिर अब यहाँ पे आवाज आ रही है मुझे बकरी की, मतलब बकरी है एक छोटा सा, उसका बच्चा है। अब मुझे उन्हें भी बाहर खोलना है। अब बच्चों को घास देने के बाद अब दूसरा काम मेरा शुरू होता है। आप देख सकते हैं ये है, चल भाई बारह, चल 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 निकल 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 जल्दी जल्दी चल बाहर 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 बाहर। ये बकरी को भी हम ले जाएंगे बाहर चुगाने के लिए, आप देख सकते हैं। चलो भाई चलो 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 चलो, आप देख सकते हैं बैक साइड में। अब मैं इस बकरी को ले जा रहा हूँ हल्का सा आगे चुगाने के लिए, हल्की सी चुगेगी, हल्की सी पत्ती वगैरह में। चल 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 चल। और मेरा अच्छा खाना हो चुका है, इसके बाद मुझे भांडे बर्तन मांजने हैं। और आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में मेरी ऑल टाइम फेवरेट दाल, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसमें मैं राजमा की दाल अभी भिगोने के लिए डाल रहा हूँ। और आप बताएं आपकी फेवरेट दाल कौन सी है। और इसके बाद मुझे अपने जो भांडे बर्तन है इनको सबको बाहर उठा के ले जाना है, और फिर भी धोना है। चलो चलते हैं।
चुका हूँ अपने बगीचे तक, आप देख सकते हैं बैक साइड में मेरा बगीचा, इसमें सेब की जो फसल है वो है बहुत ही कम, जिस बात का है हमें बहुत ज्यादा गम। और अब हम जाएंगे, पहले सर्वे करेंगे हल्का सा अपने बगीचे का, उसके बाद जाएंगे उस स्पेशल काम के लिए जो हम करने के लिए आए हैं। और वो काम है, मेरी टोली पार गिर चुकी है घास की, वो देखेंगे किस कंडीशन में है। अब मैं पहुंच चुका हूँ टोली के पास, आप देख सकते हैं टोली की कंडीशन है बहुत ही बुरी, और ये मतलब कि डेड हो चुकी है, लंबी लेटी हुई है। इसका सर कहाँ है, इसका सर नीचे देखो, वहाँ पर इसका सर नीचे है, और टांगे देखो कैसी है ऊपर लटकी हुई। और मतलब कि इसको अब यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से एक एक बिंडा उठा उठा के अब मुझे कोशिश करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये खंभा है इसमें इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये सड़ने से बच सके। ये देख सकते हैं आप, फाइनली मैंने यहाँ पे जो टोली नीचे गिरी हुई थी घास की, उसको मैंने यहाँ से उठा के सारे बिंडे यहाँ पे रख दिए। अब इसको ऊपर से मैंने कवर कर दिया है, अब बिल्कुल ही सेफ है और शायद बारिश ये नहीं भीगेगा। तो आप देखें, ये हमारे पास केल्टा है, ये हमारी डाटी बिल्कुल रेडी है, और अब हम काम करना करेंगे बिल्कुल शुरू। आप देख सकते हैं, और जैसे ही मैं एक हरी घास काट के फ्री हो जाता हूँ, वैसे मुझे अपने घर जाना है, उसके बाद खाना बनाना है, बहुत सारा काम और भी बाकी है। तो चलो फिलहाल हम इसे शुरू करते हैं। We're chasing leading us, and love is all we'll ever trust, yeah.